भंडारा शहर के अतिक्रमण धारक दुकानदारों पर नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस की उपस्थिति में गुरुवार को कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद सड़कें चौड़ी नजर आने लगी है। अतिक्रमणकर्ताओं ने अपनी दुकानों के सामने स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किया था, इससे शहर की कई सड़कें सिकुड़ गई थी, लेकिन अब अतिक्रमण हटने से यातायात समस्याएं हल होगी। शहर के मुख्य मार्ग पर पोस्ट ऑफिस चौक से गांधी चौक तक तथा गांधी चौक से पांडे महल तक तथा जिला अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर दुकानदारों ने बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया था। इससे शहर की सड़कों पर जगह कम पड़ने लगी थी। पिछले एक सप्ताह में प्रत्येक चौक में पुलिस व यातायात कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, जिससे जाम की समस्या से कुछ हद तक निजात मिली थी, लेकिन दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर परिषद ने गुरुवार 12 सितंबर को शहर के सार्वजनिक मार्ग पर नालियों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। मुख्य मार्ग पर पोस्ट ऑफिस चौक के आसपास के परिसर में नगर परिषद ने बुलडोजर चलाया। दुकानों के टीन शेड तोड़े गए। अतिक्रमण हटाने टीम आने की जानकारी मिलते ही शहर के कुछ दुकानदारों ने पहले ही अतिक्रमण हटा दिया था। इस दौरान नगर परिषद के अभियंता आकाश शहारे, मुकेश कापसे, पवन कनोजे, संकेत कोचे, धनश्री वंजारी, अतुल पाटिल, दिनेश भावसागर, मुकेश शेंद्रे, प्रशांत मेश्राम, मोनिका वानखेड़े, मिथुन मेश्राम व पुलिस प्रशासन की टीम उपस्थित थी।